इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेटिंग्स और रिव्यूज़ क्या होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, रेटिंग जो होती है वो डिफाइन करती है कि ऐप कितना अच्छा है या कोई चीज़ कितनी अच्छी है या कोई भी चीज़ कितनी अच्छी है, और रिव्यूज़ उसके नीचे लिखे हुए कमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो रेटिंग यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होती है। देखिए, ये स्टार 5 से भी होता है, 10 से भी होता है, 3 से भी होता है। अब रेटिंग, जैसे कि आपकी कोई कंपनी है और वो कितना अच्छा वर्क करती है, तो ये पब्लिकली होता है और एक प्राइवेटली भी होता है। प्राइवेटली इस तरीके से रेटिंग दी जाती है, जैसे कोई बैंक हुआ और उसकी ब्रांच हुई, लेकिन उसका बैंक हेड ऑफिस कहीं और है, तो वो उसको आपको फ़ोन करता है कि उसकी रेटिंग क्या क्या है और वो आपसे पूछता है। इसलिए कि प्ले स्टोर में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती है जिनकी रेटिंग रहती है, और जोमेटो स्विगी वगैरह वगैरह जगहों पर भी रेटिंग रहती है। और ये रेटिंग इस जो नॉर्मल पीपल है जो इसको यूज़ करे हुए होते हैं वही दे सकते हैं, या अलग से पब्लिकली भी होते हैं ये। ठीक है, तो रेटिंग आप जब दे सकते हैं, तो रेटिंग से ये पता चल जाता है कि ये कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है चीज़। और रिव्यूज़ जो कि कुछ चीज़ें गलत लग जाती हैं, जो कि या कमेंट रेटिंग में नहीं दी जाती, तो उसका बुरा भी लिख सकते हैं या उसका काफ़ी अच्छा भी लिख सकते हैं। तो ये रिव्यूज़ भी इस तरीके से रहते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा रेटिंग एंड रिव्यूज़ क्या होते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।